किए गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े। मुंबई में मोहब्बत, दिल्ली में लिव इन और फिर मर्डर, जिससे श्रद्धा ने की मोहब्बत वही निकला उसका कातिल। ये तस्वीर है श्रद्धा की और दूसरी तस्वीर है आफताब की। ये दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों पहली बार वहीं मिले, दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, दोनों ने साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लिहाजा दोनों ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। लड़की अपने आशिक से शादी की जिद करती थी और लड़का हमेशा उसे बहला देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे और अचानक एक दिन लड़की गायब हो गई। 6 महीने बाद जब लड़की का पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की गर्लफ्रेंड श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंका था। पुलिस ने आफताब को अरेस्ट किया और इसके बाद श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी सामने आई। आफताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने हाथों के 3 टुकड़े किए और फिर पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद पूरे शरीर के 35 टुकड़े किए, जिन्हें वो बैग में रखकर हर रोज फेंकने के लिए जाता था। हत्या के बाद खासकर 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि उसमें टुकड़े रख सके और किसी को खबर भी ना हो। यहाँ तक कि स्मेल को दबाने के लिए लगातार अगरबत्ती भी जलाई जाती थी। आफताब आधी रात को घर से बाहर निकलता और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंका था। उसकी सोच यही थी कि जंगल में टुकड़े फेंकने से कोई ना कोई जानवर उसे खा जाएगा। जिस तरह लड़की की हत्या की गई और टुकड़े फेंके गए, उससे साफ होता है कि आफताब सबूत मिटाने के लिए पूरी साजिश रचकर प्लान के तहत ही सब कुछ कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आफताब से अफेयर के बीच श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण के साथ लगातार संपर्क में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदान को जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को इन्फॉर्म किया कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही और श्रद्धा फोन भी नहीं उठा रही। ये जानकर श्रद्धा के पिता विकास मदान बेटी का हालचाल जानने दिल्ली पहुंचे, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था। 8 नवंबर को वो दिल्ली आए, जिसके बाद उन्होंने मेहरौली पुलिस में शिकायत की और बेटी के अगवा होने का आरोप लगाया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और वो शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब लगातार उसे धोखे में रखता रहा। ये लव स्टोरी के रूप में वो हेट स्टोरी है जिससे सुनकर पूरा देश सहर उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।